que isso vai dar. इंस्टाग्राम पर GTA के कुछ इस टाइप से वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है। अगर आप ऐसी वीडियो बनाना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। सबसे पहले हमें कॉइन मास्टर में जाना होगा। इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जाके प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। जिस वीडियो को हमें बनाना है वो वीडियो हम ले लेंगे। उसके बाद जहाँ तक हमें रखना है वहाँ से हमें इसे कट कर देना। इस वाले ऑप्शन में जाकर कैप्चर एंड सेव करेंगे। उसके बाद पिक्सल आर्ट में जाएंगे, इस फोटो को हमें ले लेना। उसके बाद इफेक्ट वाले ऑप्शन में जाकर म्यूजिक वाले ऑप्शन में जाना और यहाँ ऑप्शन हमें सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद मल्टीप्लाई इधर उधर में जाएंगे, जहाँ ज़्यादा मल्टी जहाँ इफेक्ट ज़्यादा थी उस पर खेल लेंगे। उसके बाद आइए ऑप्शन जाकर मल्टीप्लाई कर देना, अच्छा मल्टीप्लाई कर देना। फिर उसके बाद आए उसके बाद कटआउट में जाना और सिचुएशन वाले को क्लिक करना। उसके बाद इधर इधर में जाना और जहाँ जहाँ हमें वी ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेगा। इसके बाद देख जाएंगे, दोबारा से वही फ़ोटो ले लेना। उसके बाद हमें एड फोटो में जाएंगे और बैकग्राउंड और मॉडल को सिलेक्ट कर लेंगे जो हमने अभी कटआउट करा था। उसके बाद एडजस्ट करके राइट करेंगे। सही करने के लिए रेट इधर में जाकर सही कर लेंगे। उसके बाद शेडोज में, उसके बाद शेडोज में जाकर एडजस्ट और पोजिशन वगैरह सेट कर। उसके बाद ऑफिस से फोटो में जाना, पी एन जी वगैरह ले लेंगे। सेट करने के बाद लाइट करना है और फिर सेट फोटो में जाना है और स्मोक पी एन जी लेने की, स्मोक पी एन जी ले लेनी है। इसके ओपेसिटी डाउन कर दें, एडजस्ट वाला ऑप्शन जाना, उसका कलर चेंज करना और बाकी एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद राइट, कलर बदल लें, इसी को डुप्लीकेट करेंगे। इसके बाद इसके ओपेसिटी कम और इरेजर वाले टूल में जाके इसको मॉडल से इरेज कर दें। इसके बाद राइट, वापस से एड फोटो में जाना और अगली पी एन जी ले लेंगे। इसके बाद राइट, अब हमें इसे सेव कर लेना गैलरी में। इसके बाद हमें जाना वापस से काइन मास्टर में। और जो फोटो हमने अभी सेव किया था उसे ले लेना। इसके बाद म्यूजिक लिंक, GTA के म्यूजिक की लिंक नीचे दी गई है, जहाँ तक म्यूजिक आएगा उसके बाद से फोटो काट देना। इसे हम एक्सपोर्ट कर लेंगे।